हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो MGNRJ मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप के बारे में हम लगभग सभी जान चुके हैं, ये कैसे काम करता है ये भी हम जानते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाऊंगा कि आपने कितना अटेंडेंस को अपलोड किया है, वो कैसे आप देख सकते हैं, मतलब कि डिटेल में देख सकते हैं कितना आप सुबह में अपलोड किया है, कितने आपने बोथ मतलब सुबह के और दोपहर के दोनों फ़ोटो अपलोड किया है, कितने का सिर्फ आप सुबह का ही अटेंडेंस अपलोड मतलब फ़ोटो अपलोड किया है, ये सारे चीज़ डिटेल में आप देख सकते हैं रिपोर्ट के ज़रिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए देख लेते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे जाना है और nrga.nic.in लिख के सर्च करना है। इसको सर्च करते ही आप NRGA के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और रिपोर्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। अभी आपके सामने जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर लिखना है और वेरीफाई कोड पर क्लिक करना है। फिर अभी देखिए, आपको यहाँ से स्टेट नेम यानी आपके राज्य का नाम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, अभी रिपोर्ट ओपन हो जाएगा। तो R21 पे आना है, मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए 11 नंबर पे NMMS अटेंडेंस स्टेटस, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही डिस्ट्रिक्ट वाइज रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए, ब्लॉक वाइज रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे पहला अब यहाँ पे रिपोर्ट है, देखिए नंबर ऑफ वर्क्स मतलब कितने कामों का अटेंडेंस NMMS ऐप के द्वारा लिया गया है। दूसरा है टोटल नंबर ऑफ डेज अटेंडेंस कैप्चर मतलब टोटल कितना डेज अटेंडेंस लिया गया है। और पांचवा जो कॉलम है, देखिए यहाँ पे टोटल अटेंडेंस इन मॉर्निंग मतलब अटेंडेंस तो सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पर ही लिया जाता है, तो टोटल अटेंडेंस और मॉर्निंग अटेंडेंस सेम होगा। लेकिन जो नंबर 6 वाला कॉलम है, यहाँ पर देखिए टोटल अटेंडेंस इन मॉर्निंग एंड इवनिंग बोथ, मतलब टोटल पहला वाला ब्लॉक यहाँ पे नोट कीजिए कि टोटल है 26888, ये है आपका टोटल अटेंडेंस। लेकिन उनमें से सुबह और दोपहर को दोनों का अटेंडेंस लिया गया है, सिर्फ 959 अटेंडेंस लिया गया है। बाकी जो यहाँ पे 7 नंबर कॉलम आप देख सकते हैं, 1729, इन सारे अटेंडेंस का सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पे ही अटेंडेंस लिया गया है, आफ्टरनून का कोई भी फोटो कैप्चर नहीं किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो के मदद से आपने सीखा है कि और इस रिपोर्ट के माध्यम से आपने देखा कि इस रिपोर्ट के द्वारा आप बड़ी आसानी से पकड़े जाएंगे कि आप अगर दोपहर का फोटो कैप्चर नहीं करते हैं तो ये रिपोर्ट के वजह से आप काफ़ी आसानी से पकड़े जाएंगे कि आपने दोपहर का अटेंडेंस नहीं लिया है। तो सारे मेट्स को मुझे ये कहना है कि आप बहुत ही ध्यान से और ठीक तरीके से काम कीजिए, मॉर्निंग और दोपहर दोनों का ही अटेंडेंस लेना होगा, नहीं तो इस रिपोर्ट के द्वारा आप पकड़े जाएंगे मतलब कि आपने दोपहर का फ़ोटो कैप्चर नहीं किया है, ये बड़ी आसानी से इस रिपोर्ट के द्वारा पता लगाया जा सकता है। तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।